फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते, मैं मर जाऊं तुम कितनी तन्हा हो गई हो। फरिश्ते फरिश्ते मुझे घर जाने दो, नहीं तुम कुछ मत कहो। फरिश्ते खुदा के लिए, मेरी माँ, बाबा। फरिश्ते खुदा के लिए, फरिश्ते मुझे घर जाने दो। हाय मेरी माँ, सब एक साथ चले गए, सब मारे गए। महात्मा हुसैन, मुझे जाने दो। मेरी माँ, हाय मेरी माँ, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे जाने दो। सब एक साथ चले गए, मेरी माँ, मैंने उनके पास जाना है, मुझे जाने दो। मैंने उनके पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे जाने दो। फरिश्ते फरिश्ते तुम परेशान मत हो, यकीनन अब्दुर्रहमान ने तुम्हारी नानी को अपने साथ ले लिया होगा, उसे अकेली तो नहीं छोड़ेगा वो। लैला लैला, फरिश्ते का ख्याल रखना। ठीक है, फरिश्ता तन्हा नहीं, मैं तो अभी जिंदा हूँ। अपना भी ख्याल रखो लैला, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कह दो मैं जरूर वापस आऊँगी, फरिश्ते को अबदान छोड़ कर। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। जल्दी आओ, किसका इंतजार कर रहे हो? मोहसिन मोहसिन, भाई जल्दी करें, मुझे और लोगों को भी पहुंचाना है। आपको मालूम है गाड़ियां नहीं है, सब लोग सड़क पर हैं। भाई साहब सब्र से काम लो, सब्र से। अभी लोगों को सवार होने दो, आबादान में ठहर जाना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, समझ गए मेरी बात? हबीब, खुदा हाफिज़। तुमने तो किसी को भेजना था, फिर क्या हुआ? अब इस मुसीबत के साथ जो लोगों के सर पर आ गई है, क्या करेंगे? हाँ, यही सलीम मोहम्मदी। नहीं नहीं, उसका तो पूरा खानदान तबाह हो गया, तुम्हें पता नहीं? अभी चलो ना, तुम देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। उन्हें छोटा मत समझे आप, वो बड़े आदमियों की तरह बहादुर है। खुदा हाफिज। खुदा के लिए मुझे जरा रास्ता दे दो। जाओ अल्लाह के हवाले। कहाँ चले गई थी तुम? जल्दी से ऊपर आओ और दरवाजा बंद कर दो। जल्दी आओ और लाशें उठाने में मेरी मदद करो। कहाँ थे तुम अब तक? किसी को साथ लेकर नहीं आए? सब लड़के बॉर्डर पे मसरूफ हैं, हमारे पास फोर्सेस नहीं, हमें तो खुद मदद चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जलील साहब, जलील साहब, मैं किसी को लेकर नहीं जा रहा, खुद चले जाओ। आखिर क्या हुआ है? नहीं लेकर जाऊंगा। अभी तुम्हें क्या हो गया है? मैं यहाँ से जिंदा लड़के लेकर जा रहा हूँ और वापसी में उनके जनाजे लेकर आ रहा हूँ, ये हम सबका काम है। इस पे तो तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम इनको मजबूर तो नहीं कर रहे हो? ये लोग खुद जा रहे हैं, क्या तुम जबरदस्ती इनको लेके जा रहे हो?
चचा जलील, चचा जलील कहाँ हैं आप? क्या हुआ है? सलाम चचा। तुमने फायर क्यों किया? क्या यहाँ मेरे पास कोई और असला है? तुम्हें सिर्फ पत्थर मारना था। मैंने आपको बुलाने के लिए फायर किया था चचा, मुझे जल्दी निकलना होगा, मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं? फिर लोगों के जनाजों को कौन संभाले? चचा इतनी सख्ती मत करो, ये लड़की आपकी मदद करेगी। ये लड़की? इसको तो कुत्तों से भी डर लगता है। ये तो खुद यहाँ मदद के लिए बैठी है, पहरा देने के लिए नहीं। ये तो अपने आप को भी नहीं संभाल सकती, इसे अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सलाम अलैकुम बहन, इस तरह तो ये लोग भी राजी नहीं है। आप हबीब से पूछ सकते हैं, एक आदमी का होना भी गनीमत है। अब मैं अकेला इतनी सारी लाशों और इन कुत्तों के साथ क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद करूंगी चाचा। तुम्हें तो उन दो बच्चों को भेजना था, क्या हुआ उनका? मैंने तो काफी कोशिश की लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं थे। लो भाई, अब जंग भी बच्चों का खेल बन गया है। माफ कीजिए, आपने सलीम को तो नहीं देखा? क्या काम है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपने उसे देखा या नहीं। मैं उसकी बहन। तुम उसकी बहन हो? हाँ, क्या आपको पता है वो कहाँ है? वो हसन दश्ती के ग्रुप के साथ है। मोहसिन मैं जा रहा हूँ। रुके जरा, अब वो लोग कहाँ हैं? वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। वो लोग हर सुबह शराफत कैंप में जाते हैं और महाज में लड़ने वालों के लिए सामान लेकर जाते हैं। सलीम भी उनके साथ है, तुम सुबह वहाँ जाकर उससे मिल सकती हो। इनके शनाख्ती कार्ड लाए हो? अब इनके शनाख्ती कार्ड कहाँ से लाऊंगा मैं? इन सब लोगों ने शनाख्ती कार्ड जमा करके असला लिया हुआ है। मैंने 100 बार तुम्हें बताया है कि इनको बगैर नाम और निशान के नहीं दफना सकता। आखिर कौन सा तरीका है कि शनाख्ती कार्ड लेकर बंदूक दी जाए? मस्जिद जाकर बता दो कि जलील चाचा ने कहा है तमाम लड़कों के शनाख्ती कार्ड इनके हाथ में दिए जाए। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, बगैर नाम और निशान के दफनाए जाए। आखिर इनका भी हक बनता है किसी शबे जुमा में कोई इनकी खबर पर फाते पड़े। इनके शनाख्ती कार्ड उनकी बंदूकें हैं, क्या मैं उनकी बंदूकें लाके आपको दे दूं? चचा खुदा हाफिज। जाओ अल्लाह के हवाले। बहरन अलूमी आइए, वक्त बहुत कम है, जल्दी आए। कहाँ हो तुम फरिश्ते? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। जल्दी करो, ये चीजें पीछे वाले कमरे में रख दो, वहाँ ज्यादा महफूज हैं। जल्दी करो, जल्दी। मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? उठाओ जल्दी से, जल्दी से उठाओ। तुम और मर्जिया दोनों मेरे पास आओ। कहाँ? अस्पताल में मदद की जरूरत है। मैं भी आ जाऊँ? नहीं, तुम दोनों आ जाओ। मैं आ जाऊँ? हाँ तुम आ जाओ जहरा, दरवाजे पर जो गाड़ी खड़ी है वो तुम लोगों को ले जाएगी। उठो, अस्पताल पर हमला हुआ है, जल्दी करो। शाबाश, जल्दी करो। तुम लोगों में से किसी एक को कल गोदाम में जाना है। मैं जाऊंगी। किसी को आकर सब कुछ लेकर जाना है, शनाख्ती कार्ड्स वहाँ। माफ कीजिए खाना, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, सुना है कि वो यहाँ से सामान लेकर जाता है। उसका नाम क्या है? सलीम। हाँ पहचाना, वही जो रजा दश्ती ग्रुप के लिए सामान फराहम करता है। कब आएगा वो? कल तो आया था, यकीनन आज भी आएगा। कहते हैं दुश्मन की फौज शहर के नजदीक तक पहुंच गई है। कल भी वो कहते थे कि दुश्मन कर्क पर कब्जा कर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में तमाम लड़कियों को शहर से बाहर जाना होगा। किसने कहा है? कल मस्जिद में कह रहे थे लोग। हम यहाँ से जाकर क्या करेंगे? यहाँ हम सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, हम बिलावजह तो नहीं रुके हैं। Thank you.
एक टोकरी में सामान लेकर आ जाओ, वो सामान लेने आए हैं। सलीम, सलीम, सलाम। सलीम क्यों नहीं आया? सलीम कौन है? सलीम मोहम्मदी। मुझे नहीं पता। क्या तुम रजा दश्ती ग्रुप में नहीं हो? नहीं, मैं रजा मौसवी की फोर्सेस के लिए सप्लाई करता हूँ। सलीम को जानते हो क्या? सलीम, वही सलीम जिसके घर में बम गिर गया और उसके तमाम घर वाले मारे गए। हाँ वही, तुमने उसे नहीं देखा? वो लोग इस वक्त फायर स्टेशन के आसपास है, वो सामान लेने के लिए जरूर आएंगे। अगर वो मिले तो उससे कहना कि मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। तुम कौन हो? मैं उसकी बहन हूँ, उसे बता दूंगा अगर मैंने देखा तो। इतना सारा तैयार करदा सामान, गोलियां और कारतूस जो तुम्हारे लिए लाया जा रहा है, ये कहां से आएगा? ये कल के बच्चे नहीं हैं जो हमारी हर बात कबूल करें, इन्हें आपकी मदद करना है। अभी तक जो आप लोगों ने मदद की है उसका शुक्रिया, अब मजीद हमारे लिए दर्द सर्द पैदा ना करें, हमें ये जगह खाली करनी होगी, आज रात ही हमें यहाँ से निकलना है। तो फिर मैं क्या करूँ इनके साथ, ये लोग तो किसी तरह भी काम छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ना, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ये बच्चे काफी थके हुए हैं, देखो कितनी गहरी नींद सो रहे हैं। दुश्मन के सिपाही काफी आगे आ गए, हम इस तरह उन्हें नहीं रोक सकते। फिर हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सब एक एक करके शहीद होते जा रहे हैं। फिर कम से कम इनको आज की रात यहाँ सुकून से सोने दो, इनमें से कुछ बच्चियाँ 3 दिनों से नहीं सोई हैं। अगर कोई हादसा होता है तो आप जिम्मेदारी कबूल करेंगी? तमाम लोगों ने शहर छोड़ दिया है, आप लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं है खानम। फिर कम से कम हमें सुबह तक यहाँ रहने दिया जाए, ताकि सुबह बच्चियाँ अपने शहर का आखिरी दीदार तो कर सकें। ठीक है, लड़कों के ग्रुप को चौक पर तैनात करूंगा, सुबह सवेरे गाड़ी भेज दूंगा ताकि आप लोगों को ले जाएं। बाकी चीजों को गोदाम के अंदर ले चलें, वहाँ ज्यादा महफूज है। लड़कों को भी कहा है वहाँ आ जाएं, हमारा सब कुछ वहीं पर है, हालांकि कुछ भी बचा नहीं, सिर्फ चंद दिनों का सामान रह गया है। वो बेचारा वायरलेस में ये कह कह कर थक गया है कि सामान खत्म हो गया है और मजीद फोर्सेस की जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि वो भी जिंदा है, वो शिराज में तुम्हें ढूंढ लेगा। मैं नहीं जाऊंगी, उसे ढूंढे बगैर नहीं जा सकती। ये तुम क्या कह रही हो, वो लोग कल सुबह सब कुछ यहाँ से ले जाएंगे। कहाँ जाऊंगी, सलीम यहाँ है, मुझे उससे मिले बगैर सुकून नहीं मिलेगा। क्या तुमने नहीं सुना, सारी लड़कियाँ जा रही हैं, हत्ता के अबादान से भी, बाज शिराज और बाज अस्फहान की तरफ जा रही हैं। तुम्हें तो मालूम है मेरे लिए सिर्फ यही एक भाई रह गया है, मैं यहाँ 4 दिन से उसका इंतजार कर रही हूँ, उसकी खबर न मिलने पर मेरा दिल बहुत घबराता है। उसकी खबर तुम्हें तो मिल गई होगी, उस लड़के ने कहा था कि वो लोग फायर स्टेशन के आसपास कहीं मेन मोर्चा लिए हुए हैं, फिर वो जहाँ भी होगा सामान लेने के तो